नमस्कार दोस्तों, एचएससी एग्ज़ाम अपडेट्स। दोस्तों, एचएससी की जो एग्ज़ाम अपडेट है उसके बारे में बहुत बड़ी खबर है इस वीडियो के अंदर। तो परीक्षा को लेके जो सरकार का रुख है वो बहुत तेज़ है, परीक्षा कराने का सरकार का मन है। यानी कि परीक्षा जो केंद्र हैं उनके जहाँ भी परीक्षा आपकी होनी है तो उनके जितने भी संचालक हैं उनकी मीटिंग हुई है दोस्तों। वो मीटिंग कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है और उसके आगे क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं और आपकी एग्ज़ाम डेट कब आ सकती है, तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर बने रहें हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ सलीम लैंगियान और आप देख रहे हैं सैम एजुहब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आज की न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसके अंदर कहा गया है कि विभिन्न पदों की परीक्षाओं के लिए करें पुख्ता प्रबंध। यानी कि कौन कौन से प्रबंध किए हैं दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है, आप देख सकते हैं, परीक्षा केंद्रों के संचालकों की बैठक लेते एसडीएम जगदीप सिंह। तो ये दोस्तों जागरण के अंदर है खबर। इसके अंदर जो हेडलाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एचएससी परीक्षा के लिए एसडीएम जगदीप सिंह बने नोडल अधिकारी, परीक्षा संचालक केंद्र में बैठने की करें बेहतर व्यवस्था। यानी कि जो परीक्षा केंद्र है उनके लिए आपका पहले से ही प्रबंध किया जा रहा है कि आपकी परीक्षा जो होनी है वहाँ पर आपकी कोई ना कोई किसी भी तरह की कमी ना रहे, आपकी परीक्षा का जो आयोजन है बहुत ही अच्छे और सफल तरीके से करवाया जाए बहुत ही कम समय के अंदर। तो इस सभी चीज़ों के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे कहा गया है कि एचएससी की जो आगामी दिनों के अंदर विभिन्न पदों की परीक्षाएं ली जानी है, तो उनके अकॉर्डिंग दोस्तों जो डीसी है डॉक्टर प्रियंका सोनी ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए एसडीएम जगदीप सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रस्तावित परीक्षा के सफल संचालन के लिए एसडीएम जगदीप सिंह ने जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के संचालकों की बुधवार को बैठक लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि पूर्वी जिला में शांतिपूर्वक परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है, यानी कि इससे पहले हुआ है। और अभी जो आपके ज़िले की अगर बात की जाए तो 35 शैक्षणिक संस्थानों में 45 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 12,540 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है दोस्तों, परीक्षा केंद्रों में बैठने की जो व्यवस्था है वो बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए और सभी सुविधाएँ होनी चाहिए आधारभूत, क्योंकि जो परीक्षाएँ हैं आपकी वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ संपन्न करवाई जाने वाली हैं। और ये भी कहा है परीक्षा संचालकों की परीक्षा केंद्रों में हर प्रकार की सुविधा इंतजाम करने के निर्देश दिए। तो दोस्तों, इसके अंदर जो आपको बताया गया है वीडियो के अंदर, सबसे बड़ा मेन मुद्दा है आपकी परीक्षा के अंदर जो प्रबंध हैं वो सारे के सारे अच्छे तरीके से किए जाने लगे हैं अभी से। यानी कि परीक्षा का लिए जो सरकार का रुख है वो बहुत तेज़ है, यानी कि बहुत ही कम टाइम है आप लोगों के पास अभी आपकी जो परीक्षा होनी है। तो जल्द ही इसके बारे में कोई फिक्स डेट निर्धारित की जाएगी दोस्तों। तो उस सभी की अपडेट जानने के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। भविष्य के अंदर आपको ऐसी अपडेट नॉलेज अगर आप जानना चाहें तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।